आपको अपने कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं अपने गिटार के साथ, लेकिन आपको नहीं पता कैसे हम ये कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करें इक्विपमेंट्स, माइकिंग टेक्निक्स और जितनी भी चीजें जरूरी होती है एक प्रोफेशनल कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एक कवर सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल साउंडिंग कवर सॉन्ग अपने घर पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन से माइक्रोफोन्स आपको लेने चाहिए, कौन से इंटरफेसेस, कितने इनपुट्स होने चाहिए। साथ में हम बात कर रहे हैं माइकिंग टेक्निक्स के बारे में, अगर आपके पास सिंगल माइक्रोफोन है या फिर मल्टीपल माइक्रोफोन्स है, किस तरीके से आप माइक कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने वोकल्स को, ताकि आपको प्रोफेशनल साउंड मिल सके। साथ में मैं इनके सारे एग्जाम्पल्स आपको सुनाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे साउंड करते हैं रियल सिनेरियो में। तो अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको चाहिए होगा एक ऑडियो इंटरफेस एक इनपुट के साथ, साथ में एक माइक्रोफोन, वेदर डायनामिक हो, कंडेंसर हो, और आपको चाहिए होगा एक हेडफोन्स, साथ में ऑफ कोर्स द कंप्यूटर और उसका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन है और आप अपने वॉइस और गिटार को साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कंडेंसर को चेस्ट हाइट पे रख सकते हैं, यानी कि अपने छाती के हाइट पे रख सकते हैं। ये आपके वोकल्स और गिटार दोनों को साथ में रिकॉर्ड करेगा बहुत क्लियरली, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपका कंडेंसर है वो लार्ज डायफ्राम होना चाहिए, जिससे वो आपके गिटार्स और वोकल्स दोनों साथ में तरीके से रिकॉर्ड कर सके। तो ये जो टेक्निक है ये ज्यादा यूजफुल नहीं है अगर आपके पास एक डायनामिक माइक्रोफोन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरडब। तो ओवरडब का इस्तेमाल करते हुए आप अपने गिटार्स को पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके बाद आप उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वोकल्स को। इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कंडेंसर से भी कर सकते हैं, और ये वही टेक्निक है जो सबसे ज्यादा स्टूडियोज में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम क्लियरिटी की बात करें तो ये काफी ज्यादा आपको क्लियर साउंड देगा कंपेयर टू रिकॉर्डिंग आपके गिटार और वोकल्स एट द सेम टाइम, जो हम प्रीवियस टेक्निक में बात कर रहे थे। उससे ये काफी ज्यादा क्लीनर साउंड देगा, क्रिस्पर डिफाइंड साउंड देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें हमें वो लाइव फील नहीं आएगा, जो ये लाइव वाइब होता है कि आप दोनों चीजें साथ में प्ले कर रहे हैं, आप प्ले करते हुए जो आप गा रहे हैं उसका एसेंस आपको इस टेक्निक में नहीं आएगा। नाउ ऑफ कोर्स आप वो लाइव परफॉर्मेंस का वाइब रख सकते हैं विद दैट क्लियर डिफाइंड साउंड अगर आपके पास दो डायनामिक माइक्रोफोन्स हैं, या फिर आपके पास एक गिटार है जिसमें आपका लाइन इन का प्रोविजन है, या फिर उसमें पिकअप लगा हो। तो यहां पे आप दोनों चीजें यानी कि अपने गिटार और अपने वोकल्स को माइक कर सकते हैं सेपरेटली, यानी कि आप एक माइक्रोफोन अपने वोकल्स पे लगा सकते हैं और दूसरा माइक्रोफोन अपने गिटार पे लगा सकते हैं। इससे आपको वो क्लियर साउंड मिल सकता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। साथ में अगर आपके पास एक पिकअप है तो आप एक माइक्रोफोन अपने वोकल्स पे लगा सकते हैं और एक पिकअप का इस्तेमाल करते हुए अपने गिटार्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके इंटरफेस में भी दो इनपुट्स होने जरूरी है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है दो डायनामिक माइक्रोफोन्स के साथ। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है मेरे एक डायनामिक माइक्रोफोन के साथ जो है एक SM58 और साथ में मेरे फिशमैन का गिटार पिकअप। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए। इसके अलावा क्विक नोट में आपको बताना चाहता हूं कि जितने इक्विपमेंट्स मैं यूज कर रहा हूं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन पे होंगे, आप जाके देख सकते हैं मेरे इक्विपमेंट लिस्ट पे, मेरे गियर लिस्ट पे, वहां पे आपको सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जो मैं इस्तेमाल करता हूं। नाउ ऑफ कोर्स आप इससे बहुत ज्यादा डिटेल जा सकते हैं। जो मैं यहां पे कर रहा हूं वो ये है कि मैंने एक मिड साइड कर रखा है अपने वोकल्स पे, और मैं एक मिड कैप्चर कर रहा हूं, साथ में मेरे वोकल्स के साइड्स भी कैप्चर कर रहा हूं। इसके अलावा जो मैं गिटार पे कर रहा हूं वो है एक स्पेस्ड पेयर, और साथ में मैं एक सेंटर माइक्रोफोन से भी कैप्चर कर रहा हूं अपने गिटार के साउंड को। तो जो माइक्रोफोन्स मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं वो है SE-X1 मेरे मेन वोकल्स के लिए, साइड वोकल्स के लिए मैं बेहिंजर B2 प्रो का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे गिटार्स पे मिड के लिए यानी कि सेंटर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लिविट 440 प्योर,
और साथ में मैं सैमसंग CO1 मैच्ड पेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने स्पेस्ड गिटार्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑफ कोर्स ये 5 माइक्रोफोन्स हैं, यानी कि आपके इंटरफेस में आपको 5 इनपुट्स चाहिए होंगे अगर आप इस तरीके की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए। तो जैसे आपने ऑलरेडी सुना ये अलग अलग तरीके की रिकॉर्डिंग्स, चलिए एक बार फाइनली साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए। ये है एक कवर सॉन्ग यूट्यूब के लिए। तो अभी आपको पता है बहुत सारे तरीके जिससे आप अपने कवर गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिला प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट। ये है एक कवर सॉन्ग।